हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आप अगर उसमें छोटी सी अमाउंट डाल देते हैं तो उसमें आप लाखों 10-20 लाख का भी अमाउंट बना सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से बना सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपना जो कि म्यूचुअल फंड में मेरा जो अमाउंट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ और वो किस तरीके से एक्चुअली में काम करता है और कैसे उसमें पैसों की बढ़ोतरी होती है। तो चलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर SBI जो कि योनो एप्लीकेशन है, मैंने यहाँ पर अपने फ़ोन के अंदर इसे डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करने के बाद मैंने इसमें रजिस्टर कर लिया है। जो भी काम करने होते हैं मुझे SBI के, मैं यहीं से ही कर देता हूँ बिना बैंक जाए हुए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना MPIN एंटर कर लेता हूँ कि इन्वेस्ट का ऑप्शन। ठीक है, मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सिंपली इन्वेस्ट पर सिंपली क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी जो अमाउंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि 4 लाख और यहाँ पर लगभग 70,000 रुपये हैं। अब इसमें मैंने अमाउंट किस तरीके से लगाया था और इसमें प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है और आपको इसमें लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है NAV। ठीक है, NAV की फुल फॉर्म होती है नेट एसेस वैल्यू। अब ये किस तरीके से आधारित होती है, जैसे कि कुछ भी म्यूचुअल फंड होते हैं नए, ठीक है, और उसमें कुछ अमाउंट ऐड करी जाती है और उसके बाद में जितनी भी अमाउंट होती है उसमें 10 रुपये के हिसाब से NAV बना दी जाती है। ठीक है, जैसे ही उसके अंदर फंड ऐड होता जाता है या फिर वो फंड पुराना होता जाता है और वो ग्रो करता जाता है, ठीक है, यानी कि बढ़ोतरी करता जाता है, तो वो NAV हाई होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी NAV है वो 368 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बढ़ गई है। ठीक है, मैंने इसमें अमाउंट लगाया था 3.5 लाख रुपये और उसके बाद फंड मैनेजर को भी मैंने दिया था। म्यूचुअल फंड होता है उसका एक फंड मैनेजर होता है, ठीक है, और वो फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड को पूरी तरीके से मैनेज करता है कि उसे ये पता होता है कि मुझे पैसा कहाँ पर लगाना है और कौन सी कंपनी में लगाना है और आने वाले समय में किस चीज़ में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो वो अब काम किस तरीके से करता है, जैसे कि हमने उसमें 1 लाख रुपये ऐड किए, अब 1 लाख रुपये को वो क्या करेगा, 10 जगह डिवाइड करेगा, यानी कि 10,000 रुपये। ठीक है, अब वो 10 कंपनियों में या फिर 10 जगह पैसा लगाएगा। अब ऐसे में एक जगह से नुकसान हो जाता है या फिर 2 जगह से नुकसान हो जाता है, तब बचा, अगर 2 जगह से नुकसान हो जाता है तो जगह बची 8। ठीक है, अब 8 में से 2 को हम निकाल देते हैं, यानी कि 2 कंपनियां या फिर 2 जगह के उसका जो लॉस हुआ हुआ है वो रिपेयर करेंगी और उसके बाद में बची 6, तो 6 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ फंड मैनेजर है वो काम करते हैं, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं कि आखिर कौन सा जो फंड है वो किस समय ग्रोथ करने वाला है, ठीक है, या फिर किस चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ में एक न्यू म्यूचुअल फंड आया है। ठीक है, अब न्यू म्यूचुअल फंड में इस समय जो उसकी NAV है बहुत सस्ती है। ठीक है, जो बातें आपको बैंक मैनेजर नहीं बताते हैं वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ क्रोम, और क्रोम में यहाँ पर एक न्यू फंड है जैसे कि SBI डिविडेंड यील्ड फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। इसकी NAV है वो है 15.07, लगभग यहाँ पर 15 रुपये मान लेते हैं। तो अगर हम इसमें 45 रुपये डालते हैं तो हमें 3 NAV मिलेंगी। ठीक है, पर उसमें 45 रुपये में आपको 3 NAV नहीं मिलेंगी। तो अगर आप इसमें पैसे अभी इसमें निवेश करते हैं और आप इसके ग्राफ के जरिए यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो इसका फंड है वो कितनी तेज़ी से यहाँ पर ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं मैंने इस पर एक समय पहले वीडियो भी बनाई थी, समय 12 रुपये की NAV थी। ठीक है, अब इसमें 3 रुपये की NAV बढ़ गई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें बढ़ोतरी होती ही रहेगी। ठीक है, अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो आप इसमें पैसे को निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैलकुलेटर पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, अगर हमने इसमें 1 लाख रुपये निवेश किए होते, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपये हमने 2023 में, ठीक है, इसमें निवेश किए होते और 2024 में आज की डेट में इसमें जो प्रॉफिट होता हमारा वो होता 33,988 रुपये का यहाँ पर हमें प्रॉफिट होता। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसी के साथ में जो हमारी इन्वेस्ट जो हमने पैसा किया था और जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, वो दोनों को मिलाकर यहाँ पर हो जाता है 1,33,988.59 पैसे यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है,
तो जो टोटल जो आपकी अमाउंट है, जो प्रॉफिट और जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया था वो लगाकर आपके यहाँ पर पैसे हो जाते 1,33,988 रुपये, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये इतना यहाँ पर आपको प्रॉफिट और जो आपने अमाउंट ऐड करी थी, तो आज के दौर में इतनी यहाँ पर हो जाती। अब 33,988 रुपये, ठीक है, आपको मिल जाते एक साल में 1,00,000 रुपये पे, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप 1,00,000 रुपये का म्यूचुअल फंड की जगह FD में लगा देते तो वहाँ पर आपको मिलता 8%, 7%, इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलता, ठीक है। तो जब भी आप FD करा रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि हम एक साल से ऊपर के लिए करा रहा है या फिर एक साल के लिए करा रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा आप FD ना करके आप म्यूचुअल फंड में यहाँ पर पैसे को निवेश कीजिएगा। म्यूचुअल फंड में आपका FD से हमेशा बढ़कर ही अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें अमाउंट किस तरीके से आपको ऐड करना है, किस तरीके से इसमें हमें निवेश करना है, वो हम सारी बातें अब मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल हम कुछ बातें हैं जो कि खास खास इसमें समझ लेते हैं, कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। आप ये तो समझिएगा कि वन टाइम में अगर हम 1,00,000 रुपये निवेश करे हुए होते एक साल पहले आज की ही डेट में, जो कि 2023 में, ठीक है, तो हमें यहाँ पर लगभग 34,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता एक साल में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप एक साल के लिए करते हैं इसमें इन्वेस्ट, तो वो लॉन्ग टाइम में आ जाता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान से इसमें दिखाई ना देता हो तो ये बता रहा है, ठीक है, लॉन्ग टाइम में आ जाता है। और उसमें आपको जब भी आप इसमें से पैसे निकालेंगे तो आपको 1,00,000 रुपये की छूट होगी, उसके बाद में जितना भी होगा 10% के हिसाब से आपको टैक्स में देना होगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट को पैसे आप क्यों देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है वो, अगर टैक्स आप उसे पे नहीं करेंगे तो वो विकास नहीं करवा पाएगी, ठीक है, जैसे कि सड़कें बनना, जो कि सरकारी कर्मचारी लोग होते हैं जैसे कि पुलिस वाले, ठीक है, तो उनकी जो तनख्वाह है वो सब कुछ यहीं से ही जाता है, ठीक है, जो टैक्स पे करते हैं। अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तो आपको 15% देना होगा, प्लस आपको 1,00,000 रुपये की छूट मिल रही थी वो भी नहीं मिलेगी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक वाले हैं वो आपको अच्छाई तो बताते हैं पर उसकी जो बुराई होती है वो नहीं बताते हैं। सो LIC वाले सही या फिर कोई दूसरे एजेंट सही, वो आप जो भी पॉलिसी खरीदेंगे, जो भी आप बीमा या फिर कुछ भी कराएंगे, तो वो सिर्फ आपको उसकी अच्छाई बताएंगे, ठीक है, जो उसकी बुराई होगी यानी कि जो उसका नुकसान होने वाला होगा वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे उसके बारे में। पर ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई ये रिस्पॉन्सरशिप वगैरह वीडियो नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर समझ गए होंगे। इसी के साथ में इसके फंड मैनेजर कौन है वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो चलिए अब इस पैसे को हम किस तरीके से इस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे वो भी हम चलिए जान लेते हैं। तो अपनी SBI एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इस आइकन पर सिंपली क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है ऊपर में ही न्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पर उस फंड के लिए यहां पर चेक करेंगे, जितने भी SBI के फंड हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं SBI डिविडेंड हील्ड फंड रेगुलर प्लान, ठीक है, जो कि आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे हैं 38% तक यहां पर इन्होंने रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट पर सिंपली क्लिक करेंगे, आपको कितने समय से कितने समय तक रखना है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ में आपको यहां पर देखने को भी मिल जाएगा जैसे कि आप इसमें जो इसकी NAV है वो कितनी है, जो कि मैंने आपको बताई दिया है नेट एसेस वैल्यू यानी कि 15.07 है, और एक साल में इन्होंने 39,000 लगभग 40,000 रुपए का रिटर्न दिया है, 3 साल में इनकी कोई वो नहीं है यानी कि कितने का दिया है, ठीक है, ये अनुमान इन्होंने अभी तक नहीं लगा पाए हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप इसमें फंड साइज देख सकते हैं यानी कि कितना करोड़ है, यानी कि 76,32,000, ठीक है, 0.87 आपको इसमें 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट देखने को मिल रहा है अभी इस समय, ठीक है। और इसकी जो रैंक है वो आप यहां पर देख सकते हैं पैरामीटर में वेरी हाई है, तो आप इसमें जो इन्वेस्ट है वो आप यहां पर कर सकते हैं। इसी के साथ में जो फंड मैनेजर है जैसे कि रोहित और मोहित, जो कि इसके फंड मैनेजर हैं, जो कि इसे पूरी तरीके से मैनेज करते हैं, तो हम यहां पर इन्वेस्ट नाउ पर सिंपली क्लिक करेंगे। इन्वेस्टमेंट नाउ पर हम सिंपली क्लिक करने के बाद हमें यहां पर देखने को मिल जाता है जैसे कि मंथली SIP या फिर क्वार्टरली या फिर आपको यहां पर लमसम, ठीक है, तो आप इसी पर ही रहने दीजिएगा अगर आप एक ही बार में अमाउंट ऐड करना चाहते हैं तब, ठीक है।
और आप मंथली के हिसाब से इसमें पैसे ऐड करना चाहते हैं तो आप 500 रुपए से यहाँ पर कर सकते हैं, आपके 500 रुपए हर मंथ आपके खाते से कट जाएंगे ऑटोमेटो ही, ठीक है। तो आप आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर SIP में ज्यादा फायदा है या फिर आप एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तब अधिक फायदा है। देखो आपको बता दूं, अगर आपकी NAV घटेगी, ठीक है, जैसे कि 14 है अब 15 है तो उसके बाद में 14 पर आएगी, तो आपके 14 के हिसाब से 500 रुपए से वहां पर कन्वर्ट हो जाएगी NAV, ठीक है, और वो NAV महंगी होगी तो आपको यहाँ पर NAV है वो यहाँ पर खरीदनी होगी, तो वो महंगी करके खरीदनी होगी, ठीक है। तो ये लमसम में ही चलता रहता है, यानी कि बराबर ही चलता रहता है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जब भी पैसे का बजट है तो आप एक ही बार में इसमें निवेश कर सकते हैं, और आप पूरे पैसे को यहाँ पर निवेश करना नहीं चाहते हैं और आपके पास नहीं है तो आप 500 रुपए पर मंथली आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना है, स्टार्ट कब से करना है, 20 से करना है, ठीक है, या फिर आपको जितने से करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसी के साथ में एंड डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 25 तक रखना चाहते हैं आज की, कम में कम आप एक साल रखें तब आपका लॉन्ग टाइम में आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 22 कर देता हूँ, उसके बाद में हम सिंपली ओके कर देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि ये ऑप्शनल है, EUIN नंबर कोड जो कि आपको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा वरना आपको डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको प्रोसीड पे सिंपली क्लिक करना है। हाँ, ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कितने का करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5,000 या फिर 10,000 रुपए, ठीक है, मैंने 10,000 रुपए कर दिए हैं। प्रोसीड पे हम सिंपली क्लिक करेंगे, आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर एक बार सारी चीजों को पढ़ लेंगे और उसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर सिंपली आप क्लिक कर देंगे कंफर्म पर, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो आपके यहाँ पर जो आपका म्यूचुअल फंड है उसमें आपका जो पैसा है वो निवेश हो जाएगा। निवेश होने के बाद आप इन्वेस्टमेंट पर सिंपली क्लिक करके और आप उस पैसे को देख सकते हैं कि आखिर यहाँ पर कितना प्रॉफिट है, कितना अभी यहाँ पर लॉस है। तो आज की इस वीडियो में आप सारे जो फंड है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जान गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है या कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।